यूपी में मुफ्त अनाज का दायरा और बढ़ाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दूसरी पारी का पहला फैसला, यूपी में 15 करोड़ गरीबों को 3 महीने तक मुफ्त राशन देगी योगी सरकार। कैबिनेट बैठक में लगी मोहर। यूपी की योगी सरकार ने पहली कैबिनेट बैठक में बड़ा निर्णय लेते हुए मुफ्त राशन योजना की अवधि को 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। इस योजना से राज्य के खजाने पर 3270 करोड़ रुपए का भार बढ़ेगा। इस निर्णय के बाद राज्य के 15 करोड़ लोगों को अगले 3 महीने तक प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत लाभ मिलता रहेगा। मुख्यमंत्री ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि देश के 80 करोड़ और प्रदेश के 15 करोड़ गरीबों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। हमारी पहली कैबिनेट बैठक में इस योजना को 3 महीने आगे और बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। योजना के तहत गरीबों को खाद्यान्न के साथ दाल, नमक, चीनी और तेल भी दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस योजना से राज्य के खजाने पर 3270 करोड़ रुपए का भार बढ़ेगा। इस निर्णय के बाद राज्य के 15 करोड़ लोगों को अगले 3 महीने तक प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत लाभ मिलता रहेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। ये नवगठित सरकार का पहला निर्णय है। इस योजना को प्रदेश के सभी 15 करोड़ लोगों के लिए फिर से हम लोग लागू करेंगे और इस योजना को हमारे मंत्रिमंडल ने आज फैसला उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ जनता जनार्दन को समर्पित करते हुए कि सरकार डबल इंजन की सरकार पहले भी उत्तर प्रदेश की जनता के साथ खड़ी रही। कोरोना जैसी महामारी के दौरान भी उन्हें न केवल फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, बल्कि किसी भी महामारी से होने वाले उन दुष्परिणामों से जो भुखमरी के रूप में सदैव आती रही है उससे बचाने के लिए जो पुख्ता व्यवस्था देश के अंदर है उसी अनुक्रम में उत्तर प्रदेश में हम इसको लागू किया है। तो ये पहला फैसला आज हमारे मंत्रिमंडल का था, इसको मैंने स्वयं आपके बीच में आकर के आपको सूचना देने का कार्य किया है। इस योजना से 15 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश के अंदर लाभान्वित होंगे और उत्तर प्रदेश सरकार इस बारे में पूरी तरह आश्वस्त है कि चूंकि एक पारदर्शी व्यवस्था के अंतर्गत हम लोगों ने तकनीक का भरपूर उपयोग